मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जजेस ने मियां साहब को कह दिया है गो नवाज गो। अब नवाज शरीफ को जाना होगा। मुल्क में जल्द इलेक्शन होंगे। एक कप्तान पश्तो नहीं जानता लेकिन खुद को पख्तून समझता है, क्या इसका शजरा किसी पख्तून के साथ मिलता है? हाँ, टाइगर न्याजी के साथ शजरा मिलता है। आसिफ जरदारी की तनकीद। वज़ीर आज़म की जिद संगीन बयान को जन्म देगी। 28 अप्रैल के बाद सड़कों पर आवाम का समंदर होगा। इमरान खान पर उम्मीद। चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया गया। इख्तलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं। खान साहब, ऐसा शोर कहीं नहीं मचाया जाता जितना हंगामा यहाँ बर्पा किया गया। आप कौमी लीडर हैं और आप पर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान से मुतालिक। चीफ जस्टिस साहब का नर्मो नाजिक कलाम इमरान खान पर असर नहीं करेगा। इमरान को लीडर कहना वैसा ही है जैसे बंदर के हाथ में माचिस। राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा अच्छा होता इख्तलाफी नोट कुरान पाक की किसी आयत या हदीस से शुरू होता। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पनामा केस की जीआईटी पर तबादला ख्याल। पाक फौज के नुमाइंदे कानूनी और शफाफ कार्रवाई में अपना किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज की यकीन दहानी। कहा फौज अदालत के एतमाद पर पूरा उतरेगी। मिशाल कत्ल केस के 10 मुलजिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 8 मुलजिमान के बयान कलमबंद, जेल मुंतकिल। 2 मुलजिमान 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। अब तक 34 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मरदमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज कल से हो रहा है जो 7 मई को मुकम्मल होगा। गैर मुल्की मुबसरीन टीमें मुतमईन हैं। चीफ शुमारियात आसिफ बाजवा की मीडिया से गुफ्तगू। मारूफ मुसन्निफ और नावल निगार एम ए राहत लाहौर में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ये घर की सारी खातून मेकअप में क्यों मसरूफ हैं? तू ही मैदान है। फेसबुक वाली बच्ची से डेट मारने का मौका बहुत अच्छा है। तुम बबली हो ना? क्यों, अच्छी नहीं हो क्या? और मिलिए 3 खवातीन में इस बार बबली से। क्या एक बार फिर नजर फौजिया को धोखा देकर उसकी नजरों से बच पाएगा? देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ आज इंटरटेनमेंट पर।